जरा सा आइए आइए, एक मिनट आइए, बस रिव्यू दे दीजिए थोड़ा। कैसा रहा पेपर? जितना पढ़े थे उतना अच्छा रहा, और क्या। सबसे मेन तो नीट वालों का फिजिक्स से होता है, बहुत टफ आता। तो कैसा था, कैलकुलेटिव था, थ्योरी पार्ट ज्यादा था, क्या था? थ्योरी वाला भी था, कैलकुलेटिव कम था, थ्योरी था। बेस्ट क्वेश्चन थे। और फिजिक्स का क्या हाल है? वो सब इजी था पेपर। तो एक्सपेक्टेड स्कोर क्या आ रहा है? कुछ कह नहीं सकते हैं। तेरा भाई पेपर ठीक था भैया? क्या लेवल था क्वेश्चन का? बढ़िया था भैया। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्या वेटेज था? वेटेज तो मतलब क्वेश्चन इस बार रिड्यूस सिलेबस था ना, तो उसके अकॉर्डिंग कैसा रहा था पेपर? मैम पेपर आपका कितना स्कोर कर रहे हो इस बार? मेरा तो पहला ही अटेम्प्ट। मेरा पहला अटेम्प्ट मॉक टेस्ट देने के लिए आया। अच्छा, प्रिपरेशन कहाँ कर रहे थे? अच्छा रहा। अच्छा रहा आप लोग का? सही रहा पेपर। तो कैसा था इस बार का लेवल, कैसा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का? अच्छा। तो इस बार तो रिड्यूस सिलेबस रहा, तो उसके अकॉर्डिंग कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था। अच्छा था, कैसा रहा पेपर? मेरा बढ़िया गया पेपर। पेपर का क्या था सीन, इस बार तो रिड्यूस सिलेबस था तो? फिजिक्स में हार्ड था इस बार का। फिजिक्स का? हाँ हाँ दोस्तों, ये था बच्चों का रिव्यू आज का 5th May 2024 नीट एग्जाम का। तो बहुत से बच्चे का आपने राय देखा, कुछ बच्चे को कैलकुलेटिव लगा फिजिक्स का पेपर, कुछ बच्चे बस बायो ही पढ़ के आए थे, एक बच्चा तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, बस वो बायो अटेम्प्ट करने आया था। कर नीट का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था, रिड्यूस सिलेबस था इस बार, तो कैसा रहा उनका एग्जाम, कुछ बच्चे का क्या रहा, सब तो आपको मैंने रिव्यू में दिखा दिया, बच्चे का रिएक्शन दिखा दिया, क्या कैसे बच्चे एग्जाम कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेड स्कोर कर रहे हैं, कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, हम लोग फिर से पहुँच गए हैं बोर्डिंग रोड एन कॉलेज के पास बच्चों का रिव्यू लेने। तो चलिए, बच्चे आ रहे, निकल गए हैं, सेंटर से निकलना स्टार्ट हो गया, तो हम लोग बच्चे से रिव्यू लेते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिए आगे। थोड़ा सा एग्ज़ाम दे के आ रहे हो आप, कैसा रहा पेपर? मेरा बढ़िया गया पेपर। पेपर का क्या था सीन, इस बार तो रिड्यूस सिलेबस था तो? फिजिक्स में हार्ड था इस बार का। फिजिक्स का? हाँ। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पिछले साल था, इस बार कैसा रहा? इस बार का तो देखिए कैलकुलेटिव ज़्यादा था इस बार का। अच्छा, बायो का सीन क्या है? बायो का आसान था, बायो का इजी था। केमिस्ट्री? हाँ, केमिस्ट्री का सेक्शन भी ज़्यादा हार्ड था। तो आपका कैसा रहा पेपर? मेरा केमिस्ट्री थोड़ा ख़राब गया है। अच्छा, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे स्कोर आप? 620 के आसपास। 620? कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे थे आप? ये नहीं बताना चाहेंगे हम। अच्छा, ये नहीं बताना चाहोगे, चलिए ठीक है फिर, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम दे के आ रहे भाई जी, एक मिनट जरा सा कुछ रिव्यू दे दो, ऑन कर लियो। कैसा रहा पेपर भाई? बढ़िया गया। तो कितना आ रहे हैं पेपर में, कैसा लग रहा है? ज़्यादा तो नहीं आ रहे, फिजिक्स थोड़ा ख़राब। तो कैसा था लेवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का? बायो केमिस्ट्री जी था, फिजिक्स बस। तो इस बार तो रिड्यूस सिलेबस रहा, तो उसके अकॉर्डिंग कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था। अच्छा था। और बायो का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन वगैरह जो फिजिक्स केमिस्ट्री में पिछले साल था? हाँ वो भी पूरा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था या कैलकुलेटिव था या कैसा था? स्टेटमेंट वाइज। स्टेटमेंट वाइज भी था, चलिए फिर बेस्ट ऑफ लक आपको। कैसा रहा भाई, कैसा रहा पेपर? बढ़िया गया, एकदम बढ़िया। कैसा था लेवल? ये लेवल ना ज़्यादा हार्ड था ना मीडियम ही था। रिड्यूस था इस बार सिलेबस, तो उसके अकॉर्डिंग? उसके अकॉर्डिंग ठीक ही था, कुछ खास। नीट एस्पिरेंट को फिजिक्स से जो डर लगता है उसका? उसका तो साथ फिजिक्स में था। बायो का? बायो का इजी था भैया। चलिए ठीक है फिर, एमबीबीएस फैक चैनल पे आके देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए। अच्छा रहा। अच्छा रहा आप लोग का? सही रहा पेपर। तो कैसा था इस बार का लेवल, कैसा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का? अच्छा था लेवल, अच्छा था। इस बार तो रिड्यूस सिलेबस था, तो उसके अकॉर्डिंग कैसा रहा? हाँ अच्छा रहा, पहले से तो बढ़िया था। तो कहाँ से आप लोग वैसे प्रिपरेशन कर रहे हो? मैं तो सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। और आप? गोल। गोल पटना से ही? हाँ पटना से। चलिए, तो कितने आ रहे आप लोग स्कोर एक्सपेक्टेड? एक्सपेक्टेड तो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। हाँ। आपका? सेकेंड अटेम्प्ट था। तो आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कितना आ रहे होंगे? 600 प्लस तो आएंगे। चलिए फिर देखते हैं, बेस्ट ऑफ लक आप लोग को। और आपका भाई कैसा रहा? तो एग्जाम ही नहीं दिए। अच्छा, साथ में? अच्छा, चलिए बेस्ट ऑफ लक आप लोग को, एमबीबीएस फैक चैनल पे आएगा, ठीक है ना? अच्छा रहा, कैसा था लेवल क्वेश्चन का? हार्ड था। हार्ड था, कौन सा सेक्शन ज़्यादा हार्ड पड़ा? फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हार्ड था। और बायो केमिस्ट्री? बायो केमिस्ट्री ठीक था। और असर्शन रीजनिंग वाला जो सेगमेंट आता है वो इस बार कम था या ज़्यादा था? बहुत ज़्यादा था जूलॉजी में इस बार, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा था जूलॉजी। अच्छा, तो इस बार तो पीछे से पूरा एकदम असर्शन रीजन ही था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और इस बार तो रिड्यूस सिलेबस था, तो उसके अकॉर्डिंग कैसा पेपर? टफ था? हाँ टफ बनाया था सर, रिड्यूस था लेकिन टफ था। तो कितना एक्सपेक्टेड स्कोर कर रहे हो इस बार? ज़्यादा नहीं, 300-350। प्रिपरेशन कहाँ से हो रहा है? फिजिक्स वाला से। मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन। चलो फिर बेस्ट ऑफ लक आपको। कैसा रहा भाई पेपर? अच्छा था। कैसा था लेवल क्वेश्चन का? जो पढ़ा होगा उसको अटेम्प्ट किया होगा उसके लिए तो बहुत। तो कितना स्कोर कर रहे हो इस बार? मेरा तो पहला ही अटेम्प्ट। मेरा पहला अटेम्प्ट मॉक टेस्ट देने के लिए आया। अच्छा, प्रिपरेशन कहाँ कर रहे थे? प्रिपरेशन अभी तो मैंने 12th पास ही किया है। अच्छा, चलिए फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट अच्छा देना है, ठीक है। क्या मैम पेपर आपका? बढ़िया। कैसा रहा भाई पेपर? ठीक ही रहा। ये सीन आप देख रहे हो, कितना रश है आपका एन कॉलेज बोर्डिंग रोड सेंटर पटना का। बच्चे काफ़ी परेशान थे क्योंकि गर्मी ही इतना था पटना में ना इधर आज के दिन,
मतलब 4-5 घंटे बच्चे बिताए थे, मतलब सुबह से लेके मतलब 12-11, बहुत से बच्चे 12-12:30 तक आ गए थे सेंटर पे, एंटर किए थे अराउंड, सोच लो आप 12:30 से लेकर 5:30 तक, मीन्स 5:20 तक बच्चे इस भीषण गर्मी से जूझ रहे थे। तो भाई बहुत ही परेशान थे बच्चे, मैं देख रहा था उनके चेहरे ऑन है ना, ऑन है ना। कैसा रहा पेपर आपका? नहीं अच्छा रहा। लेवल कैसा था क्वेश्चन का? मॉडरेट। चलो बेस्ट ऑफ लक। कैसा गया भाई पेपर? अच्छा गया बहुत। लेवल कैसा था क्वेश्चन का? मीडियम, कुछ खास नहीं मतलब। तो कितना स्कोर कर रहे हो? 650 तक तो किए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेस्ट ऑफ लक। कैसा रहा भाई पेपर? ठीक था भैया। क्या लेवल था क्वेश्चन का? बढ़िया था भैया। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्या वेटेज था? वेटेज तो मतलब क्वेश्चन इस बार रिड्यूस सिलेबस था ना, तो उसके अकॉर्डिंग कैसा रहा था पेपर, हार्ड या मॉडरेट या इजी? ठीक था भैया। ठीक था। हाँ। तो कितना स्कोर आ रहा है मेरा? तो अभी मैं 500 ले, 500। फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट, कैसा अटेम्प्ट है? मेरा सेकंड है। सेकंड है। तो कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे थे आप? अभी तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी, चलो बेस्ट ऑफ लक। रिड्यूस सिलेबस आया था तो क्या था उसके अकॉर्डिंग? सिलेबस आया था तो बस यही था कि फ्रॉग से एक भी क्वेश्चन नहीं था, और बोला गया था कि इंसेक्ट्स आएगा, इंसेक्ट्स कॉकरोच से भी क्वेश्चन एक था, ज़्यादा नहीं था। और फिजिक्स का क्या हाल था? फिजिक्स इजी था। फिजिक्स कैलकुलेटिव था या फिर थ्योरी पार्ट? हाँ कैलकुलेटिव था, फॉर्मूला बेस्ड था। और उसके बाद केमिस्ट्री थोड़ा, बॉटनी थोड़ा सा लेंदी था। तो ओवरऑल आप इजी बोलोगे, मॉडरेट बोलोगे या टफ बोलोगे पेपर को? हम मॉडरेट बोलेंगे, ज़्यादा इजी नहीं बोलेंगे। तो कितना एक्सपेक्टेड स्कोर आएगा? आई एक्सपेक्टेड स्कोर्स मतलब मेरे ख्याल से तो मोर देन 500 आ जाएगा। तो कहाँ से प्रिपरेशन वैसे हो रहा था? हम संकल्प भारत से कर रहे थे। संकल्प भारत, चलो फिर बेस्ट ऑफ लक भाई। थैंक यू। एक ही बार चले इतना बका के सवार है सबको कवर क्या ही कर रहे हैं। एग्जाम दे करा रहे हो क्या? नीट एग्जाम दे करा रहे हो? एक मिनट जरा सा, कैसा गया पेपर? ठीक ठाक गया। तो कैसा लेवल था क्वेश्चन का? क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी था, बट बायोलॉजी में थोड़ा टाइम टेकन था क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। और फिजिक्स का क्या हाल है? वो सब इजी था पेपर। तो एक्सपेक्टेड स्कोर क्या आ रहा है? कुछ कह नहीं सकते हैं। तो कहाँ से वैसे प्रिपरेशन हो रहा था? हाँ कहाँ से प्रिपरेशन हो रहा था आपका? मेरा PW से। PW ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन? ऑफलाइन। तो आप क्या कहोगे, ओवरऑल पेपर इजी था, मॉडरेट था या टफ था? मॉडरेट था, बिकॉज बायो में थोड़ा जो स्टेटमेंट बेस्ड हो गया इसके कारण टाइम टेकिंग था। चलो ठीक है फिर, आपको बेस्ट ऑफ लगा के लिए। ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो कैसा रहा पेपर भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा था लेवल क्वेश्चन का? मॉडरेट ही था, इजी भी नहीं था और हार्ड भी नहीं था। तो फिजिक्स का सबसे मेन तो नीट वालों का फिजिक्स से होता है, बहुत टफ आता, तो कैसा था? कैलकुलेटिव था, थ्योरी पार्ट ज़्यादा था, क्या था? थ्योरी वाला भी था, कैलकुलेटिव कम था, थ्योरी था। तो असर्जन रीजनिंग का क्या सीन था? ज़्यादा नहीं था, कम था। बायो पिछले साल तो सारे सब्जेक्ट में दे दिया था, इस साल कम था, बायो में भी कम था। अच्छा, तो ओवरऑल कैसा क्वेश्चन था, ईजी था, मॉडरेट था या फिर टफ था? मॉडरेट ही बोल सकते हैं। मॉडरेट बोला जाएगा। तो कितना स्कोर कर रहे हो आप एक्सपेक्टेड? मेरा तो भैया वो फिजिक्स थोड़ा टाइमिंग की वजह से कम हो गया। तो कौन सा अटेम्प्ट आपका वैसे था? सेकंड अटेम्प्ट। और प्रिपरेशन कहाँ चल रहा है? कोटा। कोटा कहाँ? एलन। हाँ चलो ऑफलाइन ना। हाँ। और यहाँ पटना में भी आकर? पटना में तो अभी घर पे आए थे एग्ज़ाम देने। अच्छा यहीं से सेंटर फिल किए थे। चलो बेस्ट ऑफ लक आपको आगे के लिए, MBBS फैक्ट पे आएगा, ठीक है ना। जरा सा आइए आइए, एक मिनट आइए, बस रिव्यू दे दीजिए थोड़ा। कैसा रहा पेपर? जितना पढ़े तो उतना अच्छा रहा, और क्या है। तो लेवल कैसा था क्वेश्चन का ये बता दीजिए आप। मैं तो सिर्फ बायो पढ़ा था, बायो बहुत बढ़िया था। बढ़िया था बायो। और कोई टच नहीं किया आप? मैंने टच किया नहीं, 2000 क्वेश्चन बस फीस का, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, तो कहाँ से प्रिपरेशन चल रही थी आप? बस सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। तो कौन सा अटेम्प्ट था ये? कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये सेकेंड अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट। चलो फिर कितना एक्सपेक्टेड कर रहे हो उसको? बायोलॉजी फुल 360। चलिए फिर बेस्ट ऑफ लक आपको आगे के लिए। चलिए भाई, MBBS फैक्ट चैनल पर आएगा, ठीक है ना। MBBS फैक्ट यूट्यूब चैनल। कैसा गया आप लोग का पेपर? पेपर मेरा नहीं था। कैसा गया आप लोग का पेपर? अच्छा कोई बात।
इतने गर्मी में ही बच्चे लोग का नीट का एग्ज़ाम होता है ना, तो तबीयत ख़राब होना कुछ लोग का बनता है भाई। बच्चे 5 घंटे नीट के सेंटर पे एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और ऊपर से उनका 100% उनका दिमाग काम करना, क्योंकि भाई ये बात है करियर का, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो भाई बहुत ही ज़्यादा बच्चे परेशान थे। हाँ दोस्तों, ये था बच्चों का रिव्यू आज का 5th of May 2024 नीट एग्ज़ाम का। तो बहुत से बच्चे का आपने राय देखा, कुछ बच्चे को कैलकुलेटिव लगा फिजिक्स का पेपर, कुछ बच्चे बस बायो ही पढ़ के आए थे, एक बच्चा तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा बस वो बायो अटेम्प्ट करने आया था। कर नीट का जो क्वेश्चन पेपर का लेबल था, रिड्यूस सिलेबस था इस बार, तो कैसा रहा उनका एग्ज़ाम, कुछ बच्चे का क्या रहा, सब तो आपको मैंने रिव्यू में दिखा दिया, बच्चे का रिएक्शन दिखा दिया, क्या कैसे बच्चे एग्ज़ाम कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेड स्कोर कर रहे हैं, कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब चीज़। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अगर नीट 2025 एस्पिरेंट देख रहे होंगे तो कुछ आपको सीख मिला होगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, और जहाँ से आप प्रिपरेशन कर रहे हो बस कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना है, और बस यही मैं बोलना चाहूँगा कि लगातार बने रहो, ठीक है। और कुछ भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताओ मुझे, और जो इस बार नीट का एग्ज़ाम दियो नीट 2024 का, वो लोग भी बताओ कमेंट बॉक्स में कि कैसा था पेपर, कौन सा पार्ट इजी था, कौन सा पार्ट टफ था, कौन सा पार्ट मॉडरेट था, तो तुम लोग भी बताओ, आप लोग भी कमेंट ज़रूर से ज़रूर करो। और भी कुछ क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट करना, भूलना मत, फ्री टू से कुछ भी बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में, कुछ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, और कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ, ठीक है। फिर आप लोग को ऑल द वेरी बेस्ट, नीट 2025 वालों के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट, और इस बार जो नीट का एग्ज़ाम दियो अब आज से चिंता लेना छोड़ दो, कैसा गया पेपर, क्या गया, इससे कोई मतलब नहीं है, जो दे दिए ख़त्म बात। अब जो रिजल्ट होगा, रिज़ल्ट के दिन देखा जाएगा, थोड़ा बहुत प्रेशर तो आएगा, उसके बारे में उतना नहीं सोचना है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट।